स्कूल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आज अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से विधानसभा तपोवन में अपनी समस्याओं को लेकर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा। डॉक्टर गुलशन कुमार ने कहा कि उनकी मुख्यतः मांगे जिनमें निजी स्कूलों पीटीए का गठन व हर वर्ष बढ़ाई जाने वाली निजी स्कूलों की फीस व अन्य खर्चों के बारे में लिखा गया है कि सरकार हर वर्ष 12% से 14% की वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि हर वर्ष निजी स्कूलों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकल सके। डॉक्टर गुलशन कुमार ने कहा कि पीटीए गठन की बात है वो आरटीआई एक्ट में निजी स्कूल जो किसी भी तरह की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं लेते हैं वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। ये तो आरटीआई एक्ट 2009 सब क्लास 4। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल बसों की लाइफ 15 वर्ष तय कर रही है जो कि तर्कसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना व जल्द ही इनकी एक बैठक कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व शिक्षा मंत्री जी से तपोवन विधानसभा में मिला है। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने हमें अपने इस व्यस्त समय में हमें समय दिया। हाल ही में शिक्षा विभाग की द्वारा एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि स्कूल की फीस वृद्धि और पीटीए का गठन और अन्य कई मुद्दों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं इस उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा जो हमने मांग पत्र सौंपा है उसमें ये कहा है कि जो फीस वृद्धि की यहाँ बात है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कूलों के साथ अन्य जो हमारी स्टेट है उनसे अलग से व्यवहार किया जा रहा है जबकि सरकार भी मानती है कि कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों का बहुत सा योगदान है और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी मांगे ये रही थी कि एक तो जो फीस वृद्धि की मैंने बात की है उस पर हमने ये कहा है कि इसमें सरकार फीस वृद्धि में जो पारदर्शिता लाना चाहती है हमें लिखा है कि हमें एक फी निर्धारित की जाए कि हर वर्ष जैसे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं चाहे वो तेल की बात करें और किन बातें करें जिसमें हमें एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना है उनका ईपीएफ देना है अन्य सुविधा जो सरकार कहती है वो हम लोग दे रहे हैं तो जब उसकी हाइक करना है तो वो हमने कहा कि आप सरकार निर्धारित कर दे उसमें हमने मांग की है 12-15% की कि एक पारदर्शिता पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूलों को लागू की जाए। हम उसको मानने को तैयार हैं कि एक जो हर वर्ष जब एडमिशन का टाइम आता है तो स्कूलों को ये कहा जाता है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं ये कर रहे हैं तो मैं ये सरकार से मेरी मुख्यमंत्री से मांग है और शिक्षा मंत्री जी से कि एक बार इस चीज को फिक्स कर दिया जाए पारदर्शिता की जाए कि हमारी जो फीस जो है वो हर वर्ष हम इतनी बढ़ा सकते हैं और हम उसको मानने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल हम सारे आज एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा प्रतिनिधि आज इसी मंडल जो था वो मुख्यमंत्री जी से आज इसी विपक्ष में मिला है। तो दूसरी हमारा जो था विशेष तौर पर के कि जो हम बस सुविधा की हम बात करें तो हमने ये कहा कि बस सुविधा की जब सारी सुविधा हम दे रहे हैं तो उसमें भी जब फीस वृद्धि की बात आती है किराया बढ़ाने की बात आती है तो उसमें भी हमें कहा जाता है कि आप नहीं बढ़ा सकते जबकि इंश्योरेंस बढ़ता है टैक्सेस बढ़ते हैं हर साल तो इसलिए वहां भी हमने ये कहा है कि एक गवर्नमेंट ये सुविधा खुद ले ले हम अपनी ट्रांसपोर्ट जो है विड्रॉ कर लेंगे और स्कूल जो है जो सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा जो कि हमारा बेसिक महत्व है शिक्षा देने का हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेंगे ताकि अच्छी शिक्षा हम लोगों को दे सके बच्चों को दे सके। यहां तक पीटीए गठन की बात है स्कूलों के अंदर तो उसके अंदर मैं हमने जो एसोसिएशन की तरफ से दिया उसमें हमने लिखा है कि आज पर आरटीई नॉर्म्स उसमें ये कहा गया है कि जो क्लास फोर में कि जो अनएडेड स्कूल हैं, जो स्कूल दोज आर नॉट गेटिंग एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट और अन्य अदर ऑर्गेनाइज सोसाइटी दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस क्लॉ तो हम उस श्रेणी में आते नहीं है जहां पर पीटीए का गठन करने की बात है। यहां तक सीबीएसई गाइडलाइंस की बात है तो ऑलरेडी हमारे पास मैनेजिंग कमेटी जो है सीबीएसई माननीय बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी बना रखी है तो वो ऑलरेडी हमारे पास स्कूल मैनेजिंग कमेटी है जो कि स्कूल को चलाती है। जहां तक बसों के 15 वर्ष उनका लाइफ करने का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात करें तो 15 सालों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लगभग 7-8 लाख किलोमीटर चलती है जबकि हमारी बस जो है स्कूल की रोज किलोमीटर लगभग
20 या 25 किलोमीटर दायरे में रोज चलती है, तो मेरे ख्याल में 15 साल में ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख भी कम्प्लीट नहीं कर पाती है। तो इसलिए ये भी एक शर्त हमारी है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखा जाए।